आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है, ये बिल 2014 में ही लोकसभा नई लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए, या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। अर्जुन मेघवाल जी, आप जब एक मिनट, आप सीट बैठे, कंक्लूड कर दो प्लीज बेटे, कंक्लूड करो आप प्लीज। पहला दिन है, इतना बात बोलते हैं पहले दिन, आप प्लीज अपनी सीट बैठे, कंक्लूड करें आप। अधिरंजन जी धन्यवाद देते हैं। Ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to Indian hands. Nehru then consulted Raja Gopalachari, commonly known as Rajaji, who went on to become the first Vice of India. Rajaji identified the Chola model, where the transfer of power from one king to another was sanctified and blessed by high ruler. The symbol used was the handover of Bengal or scepter from one king to his successor. A golden scepter was crafted by Bhumi D. Bangaru Chetty, a famous jeweler in the Madras Presidency. The makers of the Sengal, Bhimudi Etrajulu and Bhumudi Sudhakar, are living in Chennai. Sir, itihas bata raha hu, kuch nahi. On August 14, 1947, the deputy high priest of Thirubhadu Thurai Adiman, Nagasaram player, Rajaramthi Pillai and Oduvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to Delhi capital from the then Madras Presidency. The ceremony was conducted as per Tamil tradition, and the Bengal was handed over to Nehru at his house. Okay. इसमें नई बात कुछ नहीं है सर, ये लेकर ऐसा सर बनाया जाता है माहौल कि ये कुछ नहीं आजादी हुए है हमारे देश पे, कुछ नहीं कुछ हो रहे हैं। सर मैं बहुत सारे सलाह है सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये सदन, ये ऐसा मत समझिए कि ये ईंट काटर पत्थर की सदन है सर। ये सदन, इट इज नॉट बिल्ट विथ ब्रिक्स एंड मोटर्स ओनली, इट इज द सोल ऑफ अवर इंडिया, द सोल व्हिच वाज लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड अटरेंस इन द वेक ऑफ अटेनिंग इंडिपेंडेंस। सर अगेन आई एम सेइंग दैट सोल शुड नॉट बी सप्रेस्ड again by any design. That is my view. Thank and you. I am concluding the speech because sir, I do not find adequate time to make my point further. Jara Mantri ji, dekhi mera vyavastha ka prashna hai. Mananiya Adhiranjan ji ne jo kaha wo factually incorrect hai ki purana bill abhi bhi jeevit hai. Meri स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीरंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए, एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज, मैं आगे कहता हूँ, प्लीज मैं आगे कहता हूँ, माने सर प्लीज आप बैठ जाइए, मुझे पूरा तो प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, कल्याण जी प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए।